वेलकम टू डिवाइन केयर। ब्यूटी सेक्शन में आज हम बात करेंगे एक होममेड ब्लीच के बारे में। ज़्यादातर लोग ब्लीच यूज़ करते हैं और बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि उसके बाद हमारे फेस पे रेडनेस हो जाती है, रैशेज आ जाते हैं, या जब रेगुलर काफ़ी दिन तक उसको यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि अगर एक इफ़ेक्ट एक महीने तक था ब्लीच करने का, धीरे धीरे ये टाइम गैप कम होते चले जाता है और इसको 8 दिन में या 10 दिन में यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर परमानेंट कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे स्किन ड्राई हो जाती है या ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आज मैं आपको एक बहुत सिंपल सी होममेड ब्लीच बनाना बताऊंगी, जिसमें कि सारे इंग्रेडिएंट हमारे जो घर में हमारे किचन में अवेलेबल हैं वो हमें यूज़ करने हैं, तो बहुत नेचुरल रहेगी और कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। जल्दी से हम डिस्कस करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस ब्लीच के लिए। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी आलू के रस की, साथ में नींबू का रस और थोड़ा सा चावल का आटा। इस पेस्ट को बनाने के लिए हम एक बाउल में लेंगे 2 चम्मच आलू का रस, करीबन 5 से 6 नींबू के रस की बूंदे और थोड़ा सा हम इसमें मिलाएंगे चावल का आटा, ताकि एक पेस्ट बन जाए, इसका एक बॉडी मिल जाए हमारे इस ब्लीच को। अब हम क्या करेंगे, जब हमें इसे अप्लाई करना है तो उससे पहले हम अपने फेस को कच्चे दूध से साफ़ करेंगे। कच्चे दूध से साफ़ करने का तरीका क्या है कि एक बाउल में थोड़ा सा रॉ मिल्क लेंगे और एक कॉटन को उसमें डिप करेंगे और पूरे फेस पे अच्छे से लगा देंगे। फ्यू सेकंड्स के बाद हम जब उसको पोछेंगे तो जो फेस पे हमारे डर्ट होगी वो हट जाएगी अच्छे से। अब हम इस साफ फेस पर जो हमने अभी एक पेस्ट बनाया था उसको पूरे फेस पर और नेक पर अप्लाई करेंगे अच्छे से। अप्लाई करके करीबन 2 से 3 मिनट हम उसकी सर्कुलर मसाज करेंगे और उसके बाद हम उसे आधा घंटे के लिए फेस पर छोड़ देंगे। आधा घंटे बाद हम अपने फेस पर थोड़ा सा पानी का छींटा डालकर मॉइस्ट करेंगे फेस को और जो हमने फेस पर पेस्ट लगाया था उसको अच्छे से धो देंगे। इसको हम वीक में एक बार यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमारे फेस पर नहीं पड़ेगा। अब हम अगर इन इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स के बारे में जानने की कोशिश करें तो रॉ मिल्क बहुत अच्छा है, हमारी स्किन को डीप क्लींस करता है और एक इवन टोन लाता है हमारी स्किन की। जब हमने ब्लीच बनाया तो हमने जो उसके 2 इंग्रेडिएंट थे, आलू का रस और नींबू का रस, दोनों ही नेचुरल ब्लीच हैं, साथ में ये हमारी स्किन पे जो टैन आ गया है उसको भी हटाते हैं। जब हमने चावल के साथ मिक्स करके यूज़ किया तो चावल की भी सारी अच्छी क्वालिटीज़ हमारी स्किन को मिलेंगी और हमारी स्किन अच्छे से नरिश भी होगी और साथ में ब्लीच भी होगी। ये होममेड ब्लीच आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप इसे यूज़ कीजिए और जो इसके आपको रिजल्ट्स मिले हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।